छत्तीसगढ़ के पंचायत ग्रामीण विकास व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव गीदम के जवांग एजुकेशन हब पहुंचे और आदिवासियों से जुड़े तमाम विषयों पर अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में चार जिलों के आदिवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जवांग एजुकेशन हब में चार जिले के 18 ब्लॉकों के आदिवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मंत्री टीएस सिंहदेव ने पैसा कानून के बारे में विस्तार पूर्वक बात रखी। पैसा कानून में और क्या क्या सुधार लाया जा सकता है और किन किन बातों को सम्मिलित करना चाहिए, इस पर चर्चा करते हुए सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। 90 के दशक में बन चुका है, कुछ राज्यों ने पैसा के कानून को लागू करने के लिए नियम भी बना के अपने विधानसभाओं से पारित कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में पैसा के कानून के नियम अभी तक पारित नहीं हुए हैं, तो कानून के कुछ प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था अन्य कानूनों के माध्यम से चल रही है। उसमें एक कोष की बात है कि ग्राम सभा का कोष होना चाहिए कि नहीं, कितने समय का ग्राम सभा के अगर कोष है तो अध्यक्ष अगर चुने जाएंगे कितने समय के लिए चुने जाएंगे, और जो प्रमुख अधिकार ग्राम सभाओं को हो सकते हैं, जल जंगल जमीन के प्रबंधन की बात हम करते हैं, गौड़ खनिज की बात करते हैं, लघु वनोपज की हम बात करते हैं, तो इन उत्पादों के प्राकृतिक उत्पादों के नियंत्रण को ग्राम सभा के तहत कैसे संचालित किया जा सकता है, ये नियम बनेंगे तो वो संभव है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।